अष्टमी आई मीन नवमी या फिर दोनों। हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज अष्टमी नवमी दोनों एक ही साथ है, तो आज का ये व्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सबसे पहले कर लीजिए माँ दुर्गा को प्रणाम। अब क्योंकि इस बार का मुहूर्त बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा है, एक ही दिन में दो दो तिथि एक साथ होता है और पूजा भी उसी हिसाब से किया जाता है, तो रात के 3 बजे से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाता है और सुबह सुबह पूजा खत्म होने के बाद अब वक्त आ चुका है प्रसाद की। यहाँ पर क्या चल रहा है मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे खाने का आइटम है यहाँ पर, जो एक साथ मिक्स किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर भोग का प्रसाद भी मिक्स होगा और फिर लोगों में बांटा जाएगा। और ये रहे हमारे पंडित जी, जो सबसे पहले ही अपना पेट पूजा करने बैठ गए है। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बेचारे सुबह से लगे हुए है, तो यहाँ हम इन्हें इस बात की छूट तो दे ही सकते है। यहाँ मैं देखने आई थी काम कितना आगे बढ़ा, I mean, हमें कब तक प्रसाद मिलेगा, और देखिए मुझे यहाँ पर काम पे लगा दिया गया। पर कोई ना, सबके साथ मिलकर काम करने का मजा ही अलग है, तो इसलिए मैं भी काम पे लग गई। चलिए अब भोग का प्रसाद मिलाने के बाद ये महाप्रसाद बन चुका है, जो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। वैसे क्या आपने इस बार भोग का प्रसाद खाया है, और दुर्गा पूजा आपका कैसे कट रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ एक बार याद दिला देती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी के साथ महाप्रसाद तैयार। अभी बांटने से पहले का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चल रहा है और मेरे साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके चेहरे पे स्माइल आ चुकी है, क्योंकि खाने के लिए तो हम जीते हैं, ऊपर से भोग का प्रसाद, तो इसके लिए तो हम मर भी सकते हैं। तो अभी जीने मरने के बातों को साइड में रखते हैं और जब तक भोग डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तक पूरे मंडप का एक चक्कर लगा के आते हैं। पता है आज जिस बात का डर था वो हो गया। सुबह से इतनी तेज बारिश हुई, लोग घर से निकल ही नहीं पा रहे थे। लकीली मैं सुबह से मंडप में ही थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एनीवे, अब बारिश कम होने के बाद लोग धीरे धीरे मंडप में आ रहे हैं। एंड यहाँ क्या लिखा है, यार बिना चील का हारी। ऐसी टी शर्ट पहनने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये बैन करना चाहिए। Really? ये भी कोई बात हुई। चलिए छोड़िए, ये महाशय यहाँ पर वाटर इंचार्ज है, मतलब जल विभाग को संभाल रहे हैं। चलिए अब सब कुछ मैंने देख लिया और आप सबको भी दिखा दिया, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरू होगी, क्योंकि मुझे सच में काफी ज्यादा भूख लगी है। इंतजार हुआ खत्म और शुरू हुआ भोग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिस चीज का इंतजार था वो शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं कमिटी के एफर्ट्स को जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत मेहनत किया है उन लोगों ने और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से अपना काम कर रहे हैं, ताकि सबको प्रसाद अच्छे से मिले। मुझे लगा हमारा ही पंडाल का पूजा है, तो बाद में हम प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन फिर जब मैंने देखा ऐसे भी चांसेस है कि मुझे कुछ भी ना मिले, तो मुझे लगा नहीं, अब रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं, तो मैं भी जाकर इस भीड़ में शामिल हो गई।
करने के बाद फाइनली मेरा नंबर आ ही गया और देखिए मेरी चेहरे की स्माइल। अब आप ही बताइए, स्माइल तो आनी ही थी ना। इस भीड़ को चीरते हुए आगे जाके प्रसाद पाना, ये तो सच में किस्मत की बात है। और यहाँ मैं भगवान जी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी होता है, मतलब जो भी अच्छा हुआ है आज तक, सब कुछ भगवान जी की ही कृपा से हुआ है। यहाँ कैमरा मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, मैं रिकॉर्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैं साइड में जाके खड़ी हो गई। पर हम क्या करें, मैं भी अक्सर सबके मुंह पे जाके कैमरा लेके खड़ी हो जाती हूँ, और अब जब मेरे सामने आ गया है तो मुझे ये अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं बाद में एडिट करके काट भी सकती थी, लेकिन किसी का एफर्ट है, मैं ऐसे ही क्यों जाने दूँ। और वैसे भी मैं इतनी भी बुरी नहीं लग रही। भोग का प्रसाद खत्म होने को आया है, जो गमला भर के आया था वो अभी ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, पर फिर भी वो सब अपना काम मुस्कुराते हुए कर रहे हैं। और हाँ, मैं अब तक खा रही हूँ एकदम ठूस ठूस के, क्योंकि अगली बार मुझे ऐसे अमृत जैसा खाना कब मिलेगा नहीं पता। तो अब मैं जितना भी खा सकती हूँ खा लेती हूँ। आखिर में वक्त है मीठे का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बंगाली का फेमस मिठाई है पायस, जो यहाँ पर अभी बांटा जा रहा है। के बाद अब वक्त है पानी का, और ये महाशय अभी भी, मतलब काफी देर से पानी सबको बांट रहे हैं। अब जब मेरा खाना हो गया है, सोच रही हूँ यहाँ पर थोड़ी देर बैठती हूँ, सबके साथ बातें बातें करती हूँ और दुर्गा माँ को देखती हूँ, क्योंकि ये पल कुछ ही देर में गुजर जाएगा और फिर एक साल का इंतजार। तो फाइनली सबको खाना बांटने के बाद जो भी बचा है वो लोग आपस में बांटकर खा रहे हैं। और इसी बीच मेरी नजर पड़ी यहाँ पर, जो मैं कभी भी मिस नहीं करती, आज न जाने क्यों मैं भूल गई, तो अभी खा लेती हूँ। हालांकि मेरे पेट में अभी जगह नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा जगह बना ही सकती हूँ। चरणामृत, जो नियम अनुसार थोड़ा खाना होता है, लेकिन थोड़े से मेरा यह पेट नहीं भरता, पेट भर जाता है मन नहीं भरता, तो मैं ग्लास में लेके अच्छे से एकदम रैलिश करते हुए इसे पीती हूँ। और अगर इसे पीना एक नशा है तो हाँ, मैं नशेड़ी हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख ही सकते हो, खाना पीना होने के बाद ज्यादातर लोग अपने घर में चले गए हैं और पंडाल बिल्कुल सूना पड़ गया है। और अब मैं घर जाने का सोच ही रही थी, इसी बीच मुझे ये मिल गया जिसके साथ मैं खेलने लग गई। इसके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैं जाऊंगी अपने घर, पर आप लोगों से मैं अभी विदा लेती हूँ इसी वादे के साथ कि मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।